नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 15 दिसंबर को जिला आजमगढ़ के फूलपुर के छोटे से गांव बनबीरपुर के पास नहर के किनारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, जिसके चलते भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावड़ और जिला संयोजक बलिराम आजाद जी पहुंचे और बाबा साहब की मूर्ति को लगाने की मांग प्रशासन बल्कि जिले में ही नहीं पूरे भारत में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब इनकी प्रतिमा को ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग खंडित करने का काम करते हैं, मैं इन गद्दारों से पूछना चाहता हूँ, अरे आए गद्दारों, क्या हमारे बाबा साहब तुम्हारी जमीन ले लिए या तुम्हारी जायदाद या तुम्हारे कौन सी ऐसी स्थिति पैदा कर दिए कि तुम्हें उनसे इतना डर लगता है कि उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हो तुम लोग। इस देश के गद्दारों जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है वो समझ लो इस देश पे गद्दारी करने का काम करता है। साथियों, बाबा साहब ने इस दलित वर्ग के ही लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए ऐसे तमाम काम किए और इतना बड़ा भारत देश को संविधान दिए हैं, लेकिन फिर भी ये जो मनवादी विचारधारा के लोग है इन लोगों के मन में ना जाने क्यों बाबा साहब के प्रति इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है कि वो इनको सहन नहीं कर पाते हैं और हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये हमारे बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं, ये हमारे बाबा साहब की विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे बाबा साहब को नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा को नहीं मानेंगे। ये लोग अपनी मरु स्मृति की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। साथियों, तो क्या आप लोग चाहेंगे ऐसे चाहे जिस जाति धर्म का हो अगर जो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करेगा, क्या चाहते हैं आप लोग ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए? नहीं। साथियों, जब हमारे पुलिस प्रशासन के लोग बता चुके हैं, जैसा कि कुछ साथी बताए हैं कि गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की, तो हम उनसे चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पे उन लोगों को नामजद बताया जाए या यहाँ पे लाया जाए उनको, कम से कम हमारा समाज देख ले कि यही गद्दार लोग हैं जो बारह साल की प्रतिमा को उनके विचारधारा को इस समाज में स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। साथियों, तमाम मूर्तियां इस भारत देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी तोड़ी जाती है आप सभी लोग जानते हैं, केवल हमारे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। तो साथियों, ऐसी स्थिति इस देश में क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं कि हमें हमारा समाज ये जो दलित वर्ग है उन्हीं की तरह ये दूसरों की मूर्तियों को कहीं ना खंडित करना शुरू कर दे। अगर ये स्थिति इसी तरह से चलती रहेगी तो हमारा ये दलित समाज ये धीरे धीरे जो कहते हैं ना उपद्रवी हो जाता है, रोड पे आ जाता है। तो साथियों, ऐसी मजबूरियां मत पैदा करने दो कि हमारे लोग भी उपद्रवी बन जाए। अगर ये जो हमारे पुलिस प्रशासन के साथी लोग हैं बहुत ही शांति तरीके से यहाँ बैठाए हुए हैं सबको, अगर उन लोगों की वाकई में गिरफ्तारी हुई है तो आप लोग आकर के यहाँ जो हमारे भीम आर्मी संगठन के साथी हैं उनसे बता दें और यहाँ पे जितने भी दूर दराज के लोग आए हुए हैं उनका जाना व्यर्थ ना समझ में आए कि हम लोग गए कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। साथियों, और जो हमारे संगठन की मांग है, हमारे समाज के लोगों की मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा आज ही यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए सम्मानजनक तरीके से। साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं आज स्थापित हो? तो साथियों, हमें जब तक यहाँ पे प्रतिमा लगती नहीं है हमें हटना नहीं है, भले ही हमें लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन हम अपने मान सम्मान में पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आज ये प्रतिमा लगे? साथियों, आप लोगों ने सुबह से बहुत समय दिया, और मैं चाहूंगा कि जब तक यहाँ पे हमारे बाबा साहब को सम्मानजनक तरीके से स्थापित नहीं किया जाता है तब तक आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। साथियों, और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम आर्मी। साथियों, तो साथियों, ऐसी स्थिति इस देश में क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग है कि हमें हमारा समाज ये जो दलित वर्ग है उन्हीं की तरह ये दूसरों की मूर्तियों को कहीं ना खंडित करना शुरू कर दे। अगर ये स्थिति इसी तरह से चलती रहेगी तो हमारा ये दलित समाज ये धीरे धीरे जो कहते हैं ना उपद्रवी हो जाता है, रोड से आ जाता है। तो साथियों, ऐसी मजबूरियां मत पैदा करने दो कि हमारे लोग भी उपद्रवी बन जाए। अगर ये जो हमारे पुलिस प्रशासन के साथी लोग है
बहुत ही शांति तरीके से आप बैठाए हुए हैं सबको। अगर उन लोगों की वाकई में गिरफ्तारी हुई है तो आप लोग आकर के यहाँ जो हमारे भीम आर्मी संगठन के साथी हैं उनसे बता दें, और यहाँ पे जितने भी दूर दराज के लोग आए हुए हैं उनका जाना व्यर्थ ना समझ में आए कि हम लोग गए कुछ यहाँ पे हुआ नहीं साथियों। और जो हमारे संगठन की मांग है, हमारे समाज के लोगों की मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा आज यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए सम्मानजनक तरीके से साथियों। क्या आप लोग चाहते हैं आज स्थापित हो? तो साथियों हमें जब तक यहाँ पे प्रतिमा लगती नहीं है हमें हटना नहीं है, भले ही हमें लाठी खानी पड़े जेल जाना पड़े लेकिन हम अपने मान सम्मान में पीछे नहीं हटेंगे साथियों। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आज ये प्रतिमा लगे? साथियों आप लोगों ने सुबह से बहुत समय दिया, साथियों आप लोगों ने समय सुबह से बहुत दिया और मैं चाहूंगा कि जब तक यहाँ पे हमारे बाबा साहब को सम्मानजनक तरीके से स्थापित नहीं किया जाता है सब लोग तब तक आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं साथियों। और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम आर्मी साथियों। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।